सत्ता में। अब चलते हैं कन्याकुमारी, जहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ध्यानमग्न है। भगवा कुर्ता, गले में गमछा, मस्तक पर तिलक, हाथ जोड़कर प्रार्थना, ओम चिन्ह के सामने बैठकर ध्यान, ये पीएम मोदी का मेडिटेशन। इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है और दुनिया में भी हो रही है। पीएम मोदी कल यानी 1 जून की शाम तक ध्यान मुद्रा में रहेंगे। पीएम मोदी की इस भक्ति साधना पर शिकायतें भी हो रही हैं और सियासत भी, टाइमिंग को लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। वैसे भी कल लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान होना है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। आखिरी चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी के साथ आध्यात्मिक ध्यान पर विपक्षी नेताओं का सबसे ज्यादा ध्यान है। विपक्ष कह रहा है कि यह बीजेपी की वोट खींचने की कोशिश है, इसको लेकर कानून का भी हवाला दिया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी पीएम मोदी ने कुछ इसी अंदाज में केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की थी और ध्यान लगाया था। कन्याकुमारी से समंदर में 500 मीटर की दूरी पर स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, यहां पीएम मोदी ध्यान पर बैठे। इसकी तस्वीरें वीडियो सामने आ रहे हैं। पीएम मोदी की भक्ति और ध्यान पर हमने सत्ता की 2 वीडियो कुंजी बनाई है, जिसमें सूर्य को अर्घ देने से लेकर पूजा पाठ, आरती, भगवती देवी, अम्मन मंदिर में दर्शन, सब कुछ है। कुल मिलाकर 6:45 पर प्रधानमंत्री मोदी ध्यान पर बैठे थे। आज सुबह विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास सूर्य देव को अर्घ दिया और उसके बाद फिर से ध्यान पर बैठे। आप देखिए पीएम की सूर्य साधना वाली वीडियो। मोदी की साधना वाली दूसरी वीडियो कुंजी मंदिर के अंदर की है, जहां आज पीएम ने पूजा पाठ किया, उसके बाद भक्ति में लीन हो गए। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता कन्याकुमारी के उसी जगह के पास मौजूद हैं जहां पीएम मोदी ध्यान पर बैठे। आपको कन्याकुमारी से रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें विवेकानंद रॉक की पूरी कहानी। कल शाम 6:45 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के इसी टीले पर, जहां पर 1892 में विवेकानंद जी ने 3 दिन तक ध्यान किया था, वहीं पर बीती शाम 6:45 से प्रधानमंत्री मोदी ध्यानरत हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ध्यान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी से बात नहीं करेंगे, मौन धारण किए रहेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, और इस पूरे 45 घंटे के दौरान वो सिर्फ आहार में तरल पदार्थ लेंगे। प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के जरिए एक बड़ा संदेश भी देना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री के हर मूव में एक संदेश छिपा होता है। तमिलनाडु से प्रधानमंत्री का प्रेम गहरा है, इसीलिए वो जब लोकसभा का प्रतिनिधित्व करना होता है तो उत्तर के बड़े किले यानी काशी चले जाते हैं और काशी में तमिल संगमम भी कराते हैं। वो चाहते हैं विवेकानंद जी की तरह ही, वो चाहते हैं कि भारत एक राष्ट्र के रूप में संगठित रहे और पूरा भारत एक संदेश दे। बेशक भारत एक विविधताओं से भरा देश है, संस्कृति, सभ्यता, बोली, भाषा सब कुछ अलग है, लेकिन भारत एक बड़ा राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, और इसी का संदेश देने की कोशिश है। कल जब उनका मौन टूटेगा और उनका ध्यान खत्म होगा, तो जो सामने स्टैचू देख रहे हैं आप, संत
तिरुवल्लुवर की जो मूर्ति है उसके भी दर्शन पूजन करेंगे और इनका बहुत ज्यादा महत्व है। ये दक्षिण के कबीर कहे जाते हैं, बहुत ज्यादा मान्यता है। पीएम मोदी के ध्यान पर विपक्ष का पूरा ध्यान लगा हुआ है। सियासत का अनुलोम विलोम कैसे चल रहा है ये भी देखिए। राजनीति में धर्म को और राजनीति को एक जगह नहीं लाना चाहिए। धर्म के भावनाओं को चुनाव से वोट से जोड़ना ये गलत है। कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे, इससे अब 2000-4000 कितने पुलिस हो, 10,000 तक वहाँ पर लोगों को लगा रहे ड्यूटी, कितना देश का पैसा खराब होगा। उनको पता नहीं है कि कृष्ण भगवान ने कह दिया था भागवत गीता में कि किसी न किसी रूप में हम आएंगे। आज कंस और रावण की सफाया के लिए नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। उनके ध्यान लगाने पर जिनको गालियां देना होते हैं, विजय तो कृष्ण की ही। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका उसको ध्यान की आवश्यकता है, लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। जो लोग इस तरह का सवाल बवाल और धमाल करने के हिस्ट्री शीटर लोग हैं, वो जो है वो कोशिश उनकी शुरू से रही है कि नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम पर को धूमिल करने की धूर्तापूर्ण धुन करें, और इस धूर्तापूर्ण धुन में वो खुद धूल धूसरित होते जाते हैं। पीएम मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगा रहे हैं। कल उनकी संसदीय सीट पर चुनाव है। कल ही आखिरी चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होगी और कल ही अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की समय सीमा खत्म हो जाएगी।